हेलो फ्रेंड, कल के पार्टी का ये सेकंड पार्ट है क्योंकि बर्थडे पार्टी में एक दिन में वीडियो डालती तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैं दो पार्ट में करके डाल रही हूँ। तो ये दूसरा पार्ट है, कल के पार्ट में आधा भी दिखाई हूँ मैं, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो अभी देखिए पार्टी में हम लोग बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं और ये है बर्थडे बॉय जो अपनी बुआ के गोद में है फिलहाल, और उसकी मम्मी है बगल में, रुद्रांश नाम है इसका। तो रुद्रांश की मम्मी और उसकी बुआ है। तो बस सब लोग पार्टी में पहुंच चुके थे और यहाँ उसकी मम्मी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी दीदी। तो रुद्रांश 1 साल का हो गया है आज, तो उसी का बर्थडे मनाया जा रहा है। और ये है रुद्रांश की बुआ, मम्मी और रुद्रांश, और ये है मेरी भैया की बेटी, मेरी भतीजी आशी। तो बस हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं बस केक कटने का। तो यहाँ बाबू के लिए कुछ किया हुआ है, खीर बना कर रखा हुआ है, थोड़ा सा दही है, रोली है, दीपक है, ये सब है। बर्थडे पार्टी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और बस केक कटने तक की देरी है और यहाँ सारे लोग लगभग आ ही चुके हैं और बहुत ज़्यादा तेज साउंड में म्यूजिक बज रहा है जिसकी वजह से सुनाई देना मुश्किल हो रहा है। तो देखो, पता नहीं मेरी आवाज़ पहुँचती है या नहीं, वरना वॉइस ओवर करना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है गाइस। बस मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करिए। रुद्रांश के जन्मदिन पे उसके दादा और दादी यहाँ एक पौधारोपण का ये किए, पेड़ रोपे एक आम का उसके नाम का, और उसमें पानी डाल रहे हैं और रुद्र गोदी में है, अपने दादी के गोदी में है अभी रुद्रांश, और उसके दादा वो पेड़ को पकड़ के रखे हैं। तो ये एक नया चीज़ देखने को मिला, अच्छा है। और यहाँ पे उसके पापा, मम्मी और दादी हैं, तो दादी उन्हें टीका लगाई है रुद्रांश को, और अभी केक कट होने वाला है तो वो लोग अपना ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। और वही जो बर्थडे में होता है वो सब हुआ और सारे ने बहुत इंजॉय किए। मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है नीलू, वो उसका तबीयत थोड़ा घर से ही ख़राब था, मैं पहले भी कल वाला ब्लॉग में दिखाई थी कि वो पूरा दिन सोई हुई थी, उठी ही नहीं, सिर्फ दोपहर में उठी थी, 2 बिस्किट खा के दवाई खाई है, और उसके बाद मुझे तो लगा कि शाम में जाने के हालत में ही नहीं होगी वो, लेकिन दवाई खाने के बाद थोड़ा उसे आराम लगा तो शाम में फिर उठी तो रेडी हुई, और आशी को भी वो रेडी कर दी थी। और उसका देखा जाए तो कल का दिन पूरा फास्टिंग ही रह गया, कुछ भी नहीं खाई थी, और उसके बाद पार्टी में गई तो वहाँ भी वो मतलब खाली पेट था और कुछ खाई नहीं थी ना, सो थोड़ा बहुत कुछ खाने पर ना उसके पेट में जलन जैसा होने लगा, तो वो बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा पाई थी। बट हाँ, इंजॉय की, डांस भी की, बर्थडे में भी इस मतलब स्माइली फेस के साथ ही रही, और बहुत सारे पिक भी हम लोग लिए, सेल्फी भी लिए, फ़ोटो भी खिंचवाए, अच्छा इंजॉय कर ली। मुझे नहीं लग रहा था कि वो कर पाएगी, लेकिन बहुत मैनेज की वो भी, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार नहीं आता है ना। और यहाँ मैं आई हूँ अभी और मेरे साथ आशी भी है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट टू मेरा छोटा सा बाबू। बट मैंने बहुत कोशिश की उसे गोदी लेने की, बट वो आ ही नहीं रहा था, बहुत रो रहा था, किसी के गोदी नहीं जा रहा था, तो मैं उसे डर के मारे ली भी नहीं, जब भी हाथ फैलाई लेने के लिए रोने लगता है, तो मैं उसे ले नहीं पाई। बट बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था मेरा बेटा। खा रही है चाउमीन, और यहाँ सब हम लोग हैं, मेरी दीदी लोग सब हैं, वो लोग सब खा रहे थे चाउमीन ये सब स्टार्टर में। इधर सांझी को देखिए, ये भी फुल एंजॉय की है और बैठ के अभी यहाँ पे वो आइसक्रीम खा रही है। वो घर से ही बोल रही थी कि मम्मा मैं जाऊँगी तो आइसक्रीम खाऊंगी, उसे आइसक्रीम केक ये सब टाइप की चीज़ें पसंद आती है, मीठा मीठा। तो यहाँ आशी भी बैठ के केक खा रही है, ये देखिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, तो खाना में यही सब आइटम था, नॉन वेज नहीं था, वेजिटेरियन ही खाना था। तो वही पुलाव, दाल, दाल मैं नहीं ली थी, और पूरी सब्जी था, पटल आलू का, पनीर था, रायता, मंचूरियन, सलाद, मिठाई, जेली चटनी, यही सब जो वेजिटेरियन खाने में होता है।
फ्रेंड हम लोग पार्टी से घर आ गए हैं। बर्थडे पार्टी से अभी सोने का सबका व्यवस्था हो गया। नीलू अपना रूम में भी मच्छरदानी लगा ली है और इधर सानवी भी सो चुकी है, देखिए मच्छरदानी के अंदर। और टाइम भी देख रहे हैं आप लोग, 12:00 हो गया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो बस सब थके थके जैसे लग रहे हैं, बस फ्रेश हो गई हूँ, कपड़ा चेंज की हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने। कल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी हम लोग चले सोने, बाय बाय, गुड नाइट गाइज। लास्ट में मैं यहाँ कुछ पिक डाल दे रही हूँ बर्थडे का, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए वीडियो को, बाय बाय।